नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य अग्नि न्यूज चैनल स्टूडियो। उप मुख्यमंत्री और संरक्षक मंत्री अजीत पवार ने सीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत माई बिजनेस माई राइट पहल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 1 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना करना है। इस योजना के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और अभिभावक मंत्री अजीत पवार ने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में उद्यमियों को रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बारामती विद्या प्रतिष्ठान में उप मुख्यमंत्री और अभिभावक मंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम माई बिजनेस माई राइट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। अशोक पयर अतुल ये 44 पूर्णिमा तवारे पंचायत समिति अध्यक्ष नीता बरवाकर जिला परिषद निर्माण विभाग की अध्यक्षता प्रमोद काकड़े पार्षद किरण गुजर समन्वयक कौस्तुभ बुटाला सचिन पवार जिला उद्योग केंद्र अधिकारी रिंदलकर ससून के अधीक्षक मुरलीधर कॉपर HDFC बैंक के शांति नंदुरबार आक्रोश याग के योगेश हर ने बंधन बैंक के सत्यजोत महित रत्नाकर बैंक के मिलित विचार भी मौजूद है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से 5 वर्षों में 1 सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थापित करना है। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो बड़ी संख्या में युवाओं और बुजुर्गों को रोजगार मिलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला विकलांग पूर्व सैनिकों को योजना में राहत दी गई है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक जिला स्तरीय समीक्षा और समन्वय समिति का गठन किया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।